हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है एक फेस वॉश का। और ये जिस ब्रांड का ये फेस वॉश है उस ब्रांड के, ये बहुत ही पुराना एक ब्रांड है। बचपन में हम लोगों ने इस ब्रांड का कोई ना कोई प्रोडक्ट जो हमारे घर के बड़े हैं, अपनी मदर या कोई एल्डर सिस्टर है, उन लोगों को यूज़ करते हुए देखा है। जब भी हम पार्लर में जाते हैं तो कोई फेशियल करवाना चाहते हैं तो उस ब्रांड का ही जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसे यूज़ करके फेशियल करवाते थे। तो हम सब लोग ही इस ब्रांड को मोरलेस जानते हैं। तो जो उन लोगों का नया फेस वॉश आया है मार्केट में, तो उस फेस वॉश के को भी मैं देखकर मैंने वो परचेस कर लिया। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग देयर फेस वॉश। तो मुझे कैसा लगा वो फेस वॉश यूज़ करके, तो वही मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। इस फेस वॉश के बारे में आप लोगों के साथ डिटेल्स में बात करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू उस फेस वॉश का। और जिस ब्रांड के बारे में मैं अब तक बोल रही थी वो है आयुर हर्बल। ये आप लोगों ने इस ब्रांड का नाम ज़रूर सुना ही होगा। तो चलिए देखते हैं। और वो प्रोडक्ट है ये, तो ये है आयुर हर्बल की लेमन एंड हनी फेशियल एक्सफोलिएटिंग फेशियल विथ टी ट्री ऑयल। तो इस फेस वॉश के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और जो सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है उसे भी हिट कर देना ताकि जब भी नई कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो जैसे कि मैंने कहा है, ये एक ट्यूब पैकेजिंग है जैसे कि नॉर्मल फेस वॉश का होता है, वैसा ही है। लिखा है कि ये एक नेचुरल डीप क्लेंजर फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन फॉर ब्राइट एंड क्लियर स्किन। तो ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है। और इसका जो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और जो प्राइस है वो मेंशन किया हुआ है। इसका जो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है जनवरी 21 से 21, और यूज़ बिफोर जनवरी 24, यानी कि 3 साल का इसका शेल्फ लाइफ है। और इसका जो प्राइस है वो है 80 रुपीज़ फॉर 75 ml क्वांटिटी, लेकिन ये मुझे 75 रुपीज़ में मिला था। नीचे लिखा हुआ है कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट डिटेल्स वाला लिस्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है। तो देख सकते हैं बहुत ही स्टर्डी पैकेजिंग है इसका, वाइट कलर का ट्यूब है और ऐसे ऑरेंज कलर की फ्लिप टॉप कैप है। तो अभी मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कुछ इस तरह से है। एकदम जेल बेस्ड प्रोडक्ट है और बहुत ही पतला नहीं है, गाढ़ा है प्रोडक्ट। और इसके एक्सफोलिएटिंग जेल फेस वॉश है, तो इसमें छोटे छोटे माइक्रो बीड्स है, छोटे छोटे जब आप फेस वॉश करते हो तो आप वो बीड्स को फील कर सकते हो। वो इतना हार्श नहीं है आपकी स्किन पे, बहुत ही जेंटल है, बहुत ही सॉफ्ट है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आपकी स्किन को अच्छी तरह से क्लेंस करता है। और इसमें स्मेल है, बहुत ही माइल्ड है, जेंटल है, कोई इरिटेट करने वाला कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, क्योंकि फेस वॉश करने के बाद वो स्मेल अपने आप ही चला जाता है, ज़्यादा स्टे नहीं करता है। और ये ज़्यादा लैदर नहीं करता है, और ये बहुत ही अच्छा है जो ऑयली स्किन वाले हैं, क्योंकि इसमें लेमन और हनी है। लेमन और टी ट्री ऑयल जो होता है वो ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो नॉर्मल स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको लगाने में आज ये 8-10 दिन से इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई ब्रेकआउट या पिंपल नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं हुआ है। 75 ml प्रोडक्ट आपको 80 या 75 रुपीज़ में मिल जाता है, जो कि है काफ़ी अफोर्डेबल। अगर आप कोई अफोर्डेबल रेंज में अगर आप कोई फेस वॉश ट्राई करना चाहते हो, लेना चाहते हो इस फेस वॉश को, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और ये इसका पैकेजिंग भी स्टडी है, तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है, स्मेल भी इसका इतना इरिटेटिंग नहीं है, तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। मुझे तो ये अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा। तो ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको पसंद आया, ये वीडियो आप अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो।